Hello everyone, I am Priyanka Goyal and I have secured All India Rank 369. And the best part of my journey is that this was my last attempt. So I am going to talk about that only. See, generally the aspirants have a perception that it is very difficult to clear in the last attempt and also it is really difficult to carry on to this stage. तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स थे ऑल्सो बीइंग अ गर्ल हमें आधा बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं बट मेरा जो आपसे एक आ, बात करने का एक मेजर टॉपिक है वो यही है कि प्लीज़ हैव दैट सेल्फ फेथ इन योर सेल्फ प्लीज़ कीप द होप आप अपनी बोलते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है अगर आप वो उम्मीद रखेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा मेरे केस में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे उनका एक बहुत ही आ, मुझे एक सपोर्ट था कि मैं ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगी उसके साथ साथ मैंने खुद पर भी हमेशा ये विश्वास बना के रखा ऑल दो मुझे बहुत से सेटबैक्स बीच में मिले ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जर्नी बहुत ईजी रही मेरे लिए या ये ईजी होती है सबकी अपनी एक स्टोरी होती है सबकी अपनी एक जर्नी होती है एंड डेफिनेटली द सिविल सर्विसज़ प्रिपरेशन जर्नी इज़ वेरी चैलेंजिंग स्ट्रगलिंग लेकिन हमें हर एक सेटबैक के बाद खुद को यह यकीन दिलाना होता है कि हम इसके अंदर जरूर कर सकते हैं और इसे उम्मीद रखने वालों की या हिम्मत ना हारने वालों की कभी हार नहीं होती है तो प्लीज़ आप खुद के ऊपर वो विश्वास रखें और थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा उसको अपना राइट right ट्रैक पे लेके चलें जैसे मैंने जितने भी मेरे अटैम्प्ट रहे और उनमें जो मेरी गलती रही उनसे मैंने हर बार सीखा क्योंकि हर एक अटैम्प्ट में हमें पता लगता है कि हमारी कोई कमी रही है उसी उन्हीं शॉर्ट के ऊपर मैंने काम किया और इसीलिए फ़ाइनल में जाकर मुझे ये रैंक मिली है फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ सिविल सर्वेंट बट uh, इसका सबसे मेजर रीज़न जो रहा फिर भी मैं कहूँगी दैट वॉज दी होप विच केप्ट मी पुशिंग टू दिस स्टेज एंड सो प्लीज़ मेंटेन दी होप इन योर सेल्फ एंड इन योर जर्नी थैंक यू सो मच